हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोजी, आज मैं आपको आलू कसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, एक बार मेरे स्टाइल में जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, ये बन गया है, बनता है कैसे आपको दिखाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी कोई भी नई रेसिपी है आप जल्दी से देख सके। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। चलते हैं, मैंने कैसे आलू कसा बनाया है, ये उड़ीसा का फेमस है, बहुत मज़े की बनती है, आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी मेरी वीडियो देखें ऐड के साथ देखें। आलू कसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है जिसमें 2 चम्मच तेल ऐड किया है। तेल हमारा गरम है। कटे हुए प्याज ऐड करेंगे, बहुत छोटे कट में कट करना है। प्याज को अच्छे से भुनेंगे जैसे प्याज का कलर चेंज हो जाए। प्याज का कलर चेंज होने देते हैं। ये उड़ीसा का बहुत ही फेमस आलू कसा है, बहुत मज़े की होती है, ज़रूर ट्राई करना। चटपटे बचपन में हमने बहुत खाया है और अभी बचपन को ताज़ा करने के लिए ये आलू कसा ज़रूर बनाते हैं एक बार। प्याज का कलर चेंज हो गया है, हम यहाँ पे चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, मसाला हमारा जले ना। इसी के साथ ऐड करेंगे टमाटर, कटे हुए टमाटर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको भूनेंगे, भून लेते हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे। अच्छे से भून जाए तब हम करी पत्ता ऐड करेंगे, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ पे हम फूड कलर ऐड करेंगे, रेड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें कर सकते हैं। उबाला हुआ आलू हम ऐड करेंगे नमक के साथ, मैंने इसको बॉईल करके रखा है। अब इसमें मिक्स करके थोड़ा सा 2 से 4 चम्मच पानी में हम इसमें ऐड करके मिक्स करके इसको भूनेंगे अच्छे से। ऊपर नीचे करके हम चला लेंगे आलू को। मसालों में आलू को 3 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये बनके तैयार है, सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है। अब इसी के ऊपर हम थोड़ा सा कुटा हुआ चिली, सूखी मिर्ची जो होती है, थोड़ा सा भून कर इसमें कूट कर तैयार किया हुआ ऐड करेंगे। इसी के साथ जीरा पाउडर ऐड करेंगे,
भुना हुआ जीरा का पाउडर। अब इसी के साथ आप चाहे तो इमली भी ऐड कर सकते हैं या तो आप नींबू यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नींबू यूज़ किया हुआ है, नेमन, जो बहुत मज़े की बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है आलू कसा। अब नींबू का जूस ऐड करने के बाद इसमें हम आलू को थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे ताकि ये अंदर तक और भी जूसी मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार हो। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े की बहुत ही टेस्टी बनती है चटपटा आलू, आलू कसा, उड़ीसा का फेमस। अब इसमें हम धनिया पत्ता ऐड करके फिर से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे चलाकर। आलू कसा हमारा बनके तैयार है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हमेशा से मेरी रेसिपी को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।